तो वी स्टार्ट विथ Zebronics for life. Variable argument. Variable argument actually कौन सपोज हमें इतना function define करो जे तो function में इतना हमें parameter दवा सपोज देखो ये छोटे example ना होते डिफाइन कले वॉइड डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन ने मुझे दे दोचे आईएनटी ए एटा रे फंक्शन रहला ए फंक्शन ताको कोडी कॉल होबो ना मेन मेथड भीतर कॉल होबो सपोज मोटे क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाई छी आई तो आई डॉट डिस्प्ले फंक्शन मु कॉल करू छी तो एठी मु पास करली 10 बोली पास करली माने मु केवल गोटे वैल्यू एठी पास कर परबी ना जेतो आईएनटी ए डिफाइन करछि त 10 पास करे सपोज एठी आ गोटे बेरे डिफाइन करिवे आईएनटी बी देन मोर कंस्ट्रेंट कहिबा जे म आ गोटे वैल्यू पास करे किंतु जोठी मते जाना नै जे मोर फंक्शन टा कितेटा वैल्यू नबो अटे एट रन टाइम हाउ मेनी वैल्यू द फंक्शन विल टेक एट रन टाइम इन दैट केसेस आई एम यूजिंग वेरिएबल आर्गुमेंट वेरिएबल आर्गुमेंट टा कोठी यूज हबो जोठी मते जाना नहीं जे मोर फंक्शन टा केतरा पैरामीटर नबो एट रन टाइम तो से जगह मो वेरिएबल आर्गुमेंट टा यूज करे तो वेर एआरजीएस टा एटी कहू छी तो वेर एआरजीएस इज ए वेरिएबल आर्गुमेंट इज फीचर प्रोवाइडेड बाय द जावा स्टैंडर्ड एडिशन 5.0 इट हेल्प्स टू एक्सेस द वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट ऑफ सेम टाइप एज पैरामीटर टू ए मेथड माने हमें फंक्शन को वैल्यू पास करिवा मोर देन वन वैल्यू पास करिवा जो कि हमर पैरामीटर केतरा छि जाना नहीं बट जो वैल्यू हमें पास करिवा तार डाटा टाइप ता सेम हेति दरकार माने न्यूमेरिक जदि अछि आईएनटी अछि आईएनटी पास करिवा स्ट्रिंग जदि अछि स्ट्रिंग पास करिवा सो इट हेल्प्स टू पास द वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द सेम टाइप एज पैरामीटर टू ए मेथड इट कैन बी यूज्ड when you have a number of overload method which share the same function okay mane amko number of overload method achi kimba amko jana nahi dara gote loko shopping mall gala kichi jinsa kiniya pai suppose shopping mall le 100 ta item achi se gote item kinila jodi gote item kinuchi mu expect karuchi je loko ta 100 ta item kinibo mu jodi 100 ta variable ta define karibi aa gote item mu kinilibi तले मोर गोटे वेरिएबल ऑक्युपाइड हला आउ जो 99 वेरिएबल रहला सेटा ऑक्युपाइड हला रे तर जतरा बिल जनरेट हबो मते गोटे आइटम पे बिल जनरेट हबो ने मते 100 टा आइटम पे बिल जनरेट हबो किंतु गोटे करे वैल्यू पडियो माने अननेसेसरी आउ 99 नंबर ऑफ लाइन का हबो प्रिंटेड हे कि सो पर त वेरिएबल आर्गुमेंट कहू छी जे मते ए फीचर दरकार नै मते दरकार कोन ना जो पर्टिकुलर वैल्यू मते स्टोर करिवार अछि जोडी वैल्यू मते रखिवार अछि मो सेठी वैल्यू माने जत्ते बेले मते वैल्यू दरकार से समय रे मोर मेमोरी टा एलोकेट हो मु गोटे एमिति वेरिएबल टा डिफाइन करिवि पैरामीटर रे मु चाहिले गोटे वैल्यू स्टोर करि परिबे दीटा वैल्यू स्टोर करि परिबे 100 टा वैल्यू चाहिले भी स्टोर कर
The variable argument is a variable argument feature provided by the Java Standard Edition 5.0. It helps to pass the variable number of argument of same type as parameter to a method. It can be used when you have a number of overload method which share the same function. Okay, so if I am asking a variable argument for example, to can this show for you? The class var, we define karala class var. It is a function define karala int sum array. It is a function or return type hoche int. Ame void chara alga bi return type dei pariba. It is return type hela int. Function ra name hela sum array. Atu eti parameter dia hela kono na int three dot symbol int array. अच्छा वेरिएबल आर्गुमेंट डिफाइन करिवार तरीका हला कोन ना फर्स्ट हमें डेटा टाइप डिफाइन करिवा तापर हमें पास करले 3 डॉट सिंबल देन वेरिएबल नेम इज आईएनटी आर तो आईएनटी सम गोटे वेरिएबल डिफाइन कराला सम इज इक्वल्स टू 0 इट इज सम इज इक्वल्स टू 0 डिफाइन कराला आईएनटी आई कोलन आईएनटी आर माने एटा होची एनहांस फॉर लूप यूज कराला कारण हमें जते बेले मल्टीपल वैल्यू पास करिवा तो ये जो int array गोटे कोन हे जीव गोटे ए वेरिएबल टा गोटे वन टाइप ऑफ array हे जीव array रो सब वैल्यू को रिट्राइव करिया पे हमें यूज करले एनहांस फॉर लूप यूज करले फॉर int i कोलन int array तो जहां भी वैल्यू हमें इट स्टोर करिवा ए सब वैल्यू आसी के i रे स्टोर हबो तापर से ताको सम करिवो सम कला पर एटी मते सम को रिटर्न करिवो एटी देखो कोन हैला ए जो var var va इक्वल्स टू न्यू var मे जो क्लास var अछि तार ऑब्जेक्ट बनेली var va इक्वल्स टू न्यू var देन int sum मेटी तार वेरिएबल टा डिफाइन करले ए जो वेरिएबल टा बे sum पे int sum sum इज इक्वल्स टू ए ऑब्जेक्ट ए जो क्लास रो ऑब्जेक्ट थ्रू रे sum array फंक्शन को कॉल करले देखो sum array फंक्शन को कॉल करले म कितना पैरामीटर पास sum array इज ए व्हाट सो हमारे जे फंक्शन कितना पैरामीटर डिफाइन करा छी गोटे पैरामीटर डिफाइन करा छी किंतु मु कितना वैल्यू पास करू छी 17 वैल्यू पास करू छी आज बिकॉज ए जो वेरिएबल टा हमें डिफाइन करि छे एटा सिंपल वेरिएबल नहि एटा होची हमर वेरिएबल आर्गुमेंट एटा होची हमर वेरिएबल आर्गुमेंट तो ए वेरिएबल आर्गुमेंट थ्रू रे हमें एटी वैल्यू पास करू छी तो ए 17 वैल्यू कोन हला ए 17 जक वैल्यू एटी स्टोर हला यदि गोटे वेरिएबल रे सब वैल्यू स्टोर हो छी तो एटा कोहा जीव गोटे आरे बोली कहती हो तो आरे रो वैल्यू को रिट्राइव करिया पे
आमे यूज करले कोन एठी एनहांस फॉर लूप फॉर आईएनटीआई कोलन आईएनटीआरए माने ए आईएनटीआरए भीतर जहां भी वैल्यू अछि एडी गासी आई रे स्टोर रे ताको से सम करिवो सम कला पर एठी रिटर्न करिवो काहे के रिटर्न करिवो एज बिकॉज वी आर डिफाइनिंग अदर डाटा टाइप माने वॉइड छरा आमे जदि अलगा किछि रिटर्न टाइप यूज करूचे ताले से हमको वैल्यू रिटर्न करिवो एठी वैल्यू रिटर्न कला रिटर्न कला पर एठी हम शो करिवा वेयर वीए इक्वल्स टू न्यू वेयर आईएनटी सम तो सम इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट सम आर इज ए सब वैल्यू उडा के स्टोर हैला एठी ऐड हे के वैल्यू रिटर्न करिवो ए रिटर्न हैला पर एठी सम रे स्टोर हैला तब देखिवो सम ऑफ दिस नंबर इज दिस मो रन करछि प्रोग्राम टा देखिवा एबे हम एटा प्रोग्राम टा रन करिवे जी कोलन एंटर जावा सी देन जावा जावा फाइल एटी मोर जहा भी सब वैल्यू थिला एटी से कोन कला ना सब वैल्यू उडा के एटी ऐड करके मते शो कला 200 बुझि पाइला प्रोग्राम टा यस सर आके सेव करना है
ये मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जाऊँ चुन So when we are using inheritance, a subclass inherit all the method and variable from the superclass. गोटे child class, subclass बा child class, parent class बा सबु functionality को से use करी परी हो. मैंने तारा function को call करी परी हो, तारा method को call करी परी हो. But subclass doesn't inherit the constructor from the superclass. Subclass कौन करी हो? parent class ra jo constructor achi se constructor ta ko inherit kari paribo nahi ba ta ko use kari paribo nahi the two way to include the constructor are one is use the default constructor or write one or more explicit constructor the parent class kon karibo na child class kon karibo parent class ra function ko use kari paribo variable ko use kari paribo kintu child class parent class ra constructor ta ko use kari paribo nahi तो ताको यूज करिवा को हेले हमें यूज करिवा कोन ना सुपर कीवर्ड टू इन्वोक द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर यू मस्ट प्लेस ए कॉल टू ए सुपर मेथड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर यदि पेरेंट क्लास रा कंस्ट्रक्टर को मते कॉल करिवार अछि ताले मते चाइल्ड क्लास रा कंस्ट्रक्टर रा फर्स्ट लाइन रे मो सुपर मेथड लिख ताले कह हबो ना पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हबो सो यू कैन कॉल ए स्पेसिफिक पेरेंट कंस्ट्रक्टर बाय द आर्गुमेंट that you use in a call to the super method artha hochi kon dekha eti explain karuchi define college suppose class parent extends from parent ye kahiba artha hala jodi parent class re mor kichi constructor achi seta achi parent class constructor पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर टा को मु इनहेरिट कर परबि ने इनहेरिट माने आको मु किछि नुवा फंक्शनालिटी देई परबि ने केवल मु कोन करबि ना पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर टा को चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर भीतर कॉल कर परबि एटी कॉल करिया पय हेले चाइल्ड क्लास जो कंस्ट्रक्टर अछि ए कंस्ट्रक्टर रा फर्स्ट लाइन ने मु लिखिबि सुपर कीवर्ड एटी जदि सुपर मेथड लिखो जे ताले मोर कोन होबो parent class constructor ta eti call so by writing the super method the parent class constructor is called in the child class acha jodi parent class constructor re jodi kichi parameter achi jodi int a achi to mu khali jodi super likhibi tale eti mate error show koribo to sethi pai mate eti kon hobo na kichi value pass karebo koribo to eti int a achi to mu 20 pass karebo tale 20 ta jake eti initialize hobo ओके किंतु जदि एठी पैरामीटर अछि सो बिना पैरामीटर रे जदि मु सुपर कीवर्ड टा यूज करू छी तले एटा मते एरर सो त
तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर टा इनहेरिट हबनी चाइल्ड क्लास से केवल ताको कॉल करि परिबा ताको कॉल करिया पे हमें यूज करिबा सुपर मेथड सुपर कीवर्ड अटी हमें यूज करि एटा से इंसर्ट कइला जे बाय यूजिंग ऑफ सुपर कीवर्ड वी कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इनटू द चाइल्ड क्लास बट इट इज नॉट इनहेरिटेड सो लेट्स सी द एग्जांपल देखा मुझे गोटे कमेंट लाइन दौर फर्स्ट विदाउट पारामीटर रे दौर पारामीटर विदाउट पारामीटर क्लास है पेरेंट तर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कराला पेरेंट एवं चाइल्ड क्लास एक्सटेंड फ्रॉम ए पेरेंट तो चाइल्ड क्लास टा पेरेंट क्लास रो एक्सटेंड है अच्छा ये मुझे कौन करी जो सुपर कीवर्ड मुझे यूज कर सुपर कीवर्ड यूज करते सुपर तो सुपर है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर एटा कॉल हो तो आम प्रथम कौन कले ना चाइल्ड क्लास रे ऑब्जेक्ट बनैले चाइल्ड क्लास जितना ऑब्जेक्ट बनाऊे चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो मन रख जिते बे पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर टा को कॉल करवा चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर फर्स्ट लाइन में आमको सुपर मेथड लिखा पड़े तुम कह सुपर मेथड ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन पर लिखे हम रंग हम आपको कल करने को प्रथम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फर्स्ट लाइन में चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर फर्स्ट लाइन में जब आम सुपर मेथड लिखुचे तेरे पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर की कल हम ए चाइल्ड आई इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड जो कल करूचे ऑटोमेटिक चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कल हम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर जो कल हो तो यहाँ सुपर मेथड थ्रू में पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर की कल हम नाउ आई रन द फाइल Java C child dot java फर्स्ट कॉल है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर बुझे ला बुझ पाए ला यस सर ओके मो सेम एग्जांपल ले उटे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर टा यूज करूँ सर
एठी हमरा डिफाइन करायला कोन नैठी एडा सिंपल थिला एडा बे हम पैरामीटराइज यूज करियो पैरामीटराइज हले जतले हम सुपर मेथड टा को कॉल करियो एठी हम किछ वैल्यू पास करियो ए सुपर एठी में पास करले 5 वाली पास ते 5 टा कोटी इनिशियलाइजेशन हो बेठी रहइबो तो यूटो असला कोटी हम दिस कीवर्ड पडले दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए माने मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हला तब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैल्यू इज 5 हम शो करियो This parameterized constructor value is 5. This is a child class constructor. Same program, but it is a parameter to pass the 5. तापर हम देखिबा ऑब्जेक्ट क्लास इज द रूट ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा ए क्लास डिक्लेरेशन विथ नो एक्सटेंड क्लॉज इंप्लाइज दैट इट इज एक्सटेंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास टा होची प्री डिफाइंड क्लास गोटे क्लास जेते बेले हमें जावा रे डिफाइन करू छे जदे से क्लास टा का माने कोनोसी क्लास रो एक्सटेंड हेनी दैट मींस बाय डिफॉल्ट इट इज एक्सटेंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास इट मींस व्हाट जदे हमें एटा लिखिबा क्लास जदि मु डिफाइन करू छी क्लास एक्स वाई जेड दैट मींस एटा इनविजिबली एक्सटेंड हो छी ऑब्जेक्ट क्लास क्लास एक्सटेंड फ्रॉम class xyz is extends from object class so by default or invisibly it is extends from object class so when a class is extends from object class okay when a class is not extends from any class that means invisibly it is extends from object class mane sabu classes java ra whether it is predefined whether it is user defined by default mane object class ro extend hoitanta jodi konosi class ro extend hobe ni by default and then object class to extend so in the object class there is a two method is present one is equals method another is toString method so two type of method we have one is equals method another is toString method okay ए जो equals और toString method अभीतर दिटा डिफरेंस अछि हमें इक्वालिटी चेक करिया पे हमें इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर यूज करिबा आउ इक्वल्स इक्वल्स मेथड यूज करिबा द डेटा वेयर हम इक्वालिटी चेक करि परबा बाय यूजिंग ऑफ इक्वल इक्वल ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड बट आ विदर डिफरेंस कोन हो जेंति कि हम कहिबा सपोज गोटे लोको दिल्ली रे होसी एंड तब पचारि जो जे जगन्नाथ टेंपल कोठे होसी से कने पुरी रे जाछि आ गोटे लोको पुरी रे होछि आ त पचारि जगन्नाथ टेंपल कोठे होछि से कहबे ई जगह रे होछि देखि दो दुई जन सेम रेफरेंस दो चंदे पुरी जो लोकटा अछि से भी सेम रेफरेंस दो छे आ जे दिल्ली रे अछि से लोकटा भी सेम रेफरेंस दो छे
दिजन सेम रेफरेंस दोचंदे किंतु डिस्टेंस फ्रॉम पुरी टू डिस्टेंस फ्रॉम पुरी टू दिल्ली एंड डिस्टेंस फ्रॉम एनी लोकेशन दैट इज सिचुएटेड इन पुरी टू द टेंपल इज डिफरेंस माने जे पुरी रे अछि पुरी रो पुरी मंदिर इतर डिफरेंस बट डिस्टेंस जा रहइबो जे दिल्ली रे अछि पुरी टेंपल रे डिस्टेंस सा अलगा रहइबो इक्वल इक्वल ऑपरेटर ए जगह रे हमको फॉल्स देखेबो माने कोन कोन पे से फॉल्स देखेबो ए जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर ई कहइबो जे हमर हमें दि जना सेम रेफरेंस देखौ छै ठीक अछि किंतु हमर जो डिस्टेंस अछि से डिस्टेंस ता होछि इनइक्वल से डिस्टेंस सा समान नै सेति पे से हमको फॉल्स देखेबो किंतु इक्वल्स मेथड रे से हमको ट्रू देखेबो हमें जो वेरिएबल रे वैल्यू स्टोर करू छै हमें दीटा वे रे वैल्यू स्टोर करि परिबो गोटे होछि हमें वेरिएबल रे स्टोर करि पाइबा आ गोटे वे रे होछि हमें ऑब्जेक्ट रे भी वैल्यू स्टोर करि परिबो हमर जो वैल्यू अछि हमें वेरिएबल रे स्टोर करि परिबा नहले हमें ऑब्जेक्ट रे भी स्टोर करि परिबो अच्छा वेरिएबल रे जदि हमें वैल्यू टा स्टोर करू छै दैट मींस व्हाट हमें डायरेक्टली से जगह रे वैल्यू टा स्टोर करू छै जदि हमें ऑब्जेक्ट रे स्टोर करू छै बा कोनोसी अरे रे स्टोर करू छै जरा रेफरेंस रे स्टोर करू वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू वी हैव द एड्रेस वेयर माय वैल्यू इज स्टोर हम पकरे एड्रेस ता अछि से एड्रेस से हमको जाना जीवो जे मो वैल्यू टा कोटि स्टोर है तो जदि हमें वैल्यू गुडा को रेफरेंस से स्टोर करिवा ताले इक्वल इक्वल ऑपरेटर हमको कोन करिवो ना फॉल्स देखेव इक्वल इक्वल ऑपरेटर रिटर्न यू फॉल्स इफ यू स्टोर द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ए रेफरेंस रेफरेंस रे जदि स्टोर करू छे ताले हमें जदि इक्वल वैल्यू स्टोर करिवा तापर भी से हमको इनकरेक्ट देखेव इन द केस ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू नॉट ए इंटीजर वैल्यू इंटीजर वैल्यू रे इक्वल इक्वल ऑपरेटर रे हमें जदि int a = 10 लिखिवा int b = 10 लिखिवा तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर रे भी से हमको ट्रू देखेव इक्वल्स मेथड रे भी हमको ट्रू देखेव किंतु जदि वेरिएबल रो वैल्यू टा हमें स्ट्रिंग रे स्टोर करियो स्ट्रिंग रे बा कैरेक्टर स्ट्रिंग रे जदि स्टोर करिवा एई केस रे हमको फॉल्स देखेव को जगह रे ना जदि हमें इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज करू छे किंतु इक्वल्स मेथड रे हमें वेरिएबल रे स्टोर करले ट्रू देखेव रेफरेंस रे भी स्टोर करले हमको ट्रू देखेव सो दीटा केसेस हमको ट्रू देखेव द यूजर क्लासेस कैन ओवरराइड द इक्वल्स मेथड टू इंप्लीमेंट द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द इक्वालिटी ओके सो फॉर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इक्वालिटी वी आर यूजिंग दिस इक्वल्स मेथड ओके एटा थला इक्वल्स मेथड थ्योरी अगेन नेक्स्ट क्लास रे मु कल आउ थे पढ़ेबी आउ थे पढ़े प्राक्टिकल टा चलो।